ओलंपिक्स च अपना नाम रोशन करने तो बाद हुण देश दी शूटर भारतीय शूटर अंजू मोदगल जिहड़े कि चंडीगढ़ की बेटी भी कही जाती है वो वापस अपने घर पहुंची है। सब तो पहला उन्होंने गल कर लेने क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत कुछ मायने रखता है। हालांकि मैडल नहीं आ सकिया पर फिर भी एक्सपीरियंस लैके आए हैं काफ़ी ज़्यादा। किस तरीके इंटरनेशनल लैवल पर जोड़ा है मुकाबला होंगे अगे लिए किस तरीके तैयारी रहेगी अगली बार किस तरीके गोल्ड लैके आना है। अंजुम सब तो पहला जिस तरीके सब तो पहले स्वागत है थोड़ा तो की कहना चाहोगे जब तुम वापस आए हो एक वड्डा एक्सपीरियंस नाल लैके आए हो। बिल्कुल हम कल ही वापस आई हूँ मैं चंडीगढ़ और ये पूरे जो भी इतने सालों की ट्रेनिंग थी ओलंपिक्स की और हमने कैसे टोक्यो से पहले क्रोएशिया में ट्रेनिंग करी टीम के साथ और ये पूरी जो जर्नी थी मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग मेरी स्पोर्ट के लिए काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और बिल्कुल हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम इंडिया के लिए मेडल नहीं लेके आ पाए क्योंकि तैयारी पूरी थी और कॉन्फिडेंस था कि हम एटलीस्ट मेरा था कि मैंने बहुत अच्छे से शूट किया। वही कुछ पॉइंट से जब फाइनल्स रह जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है बट उतना ही उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया है हमारी परफॉर्मेंस ने और आगे तैयारी करने के लिए जो भी कंपटीशन आएगा उसमें अपना बेस्ट देने के लिए। सो आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमें काफ़ी कुछ सिखा गया तो उस एक्सपीरियंस को हम यूज़ करेंगे आगे की तैयारी के लिए। वड्डा एक्सपीरियंस जो है वो लेके आए ने तो उस एक्सपीरियंस के राही जो है ओके अगले ओलंपिक्स जो है मेडल लिता जाएगा। पर बहुत वड्डी गल इन्हें कही कि जिहड़े मैडल लेके आते हैं उन्होंने हर कोई पुछता है पर जिहड़े उन्नी ही तैयारी करते हैं उन्नी ही मेहनत करते हैं मैडल लई जे वो फाइनल्स पहुँच के रह जाते हैं तो कितना ना कितने दिल भी टुटता है पर वो मोटिवेट करने लई जिहड़ा है वो कोई नहीं रहिंदा। आप एक स्पोर्ट्समैन नूं मोटिवेट जिहड़ा है दोबारा तो होना पैंदा है। कैमरामैन प्रमोद दे नाल बजम वर्मा जी मीडिया चंडीगढ़।